हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन, जहां हम बात करते हैं अलग अलग चैप्टर्स की फ्रॉम द एनसीईआरटी। दिस इज चैप्टर एनिमल किंगडम। अब हम आ चुके हैं लास्ट पार्ट की तरफ क्लासेस में, और उसी में आज हम नाथेस्टोमेटा से जिनके पास जॉज है ऐसी फिश की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें भी हमने देखा था पाइसेस जो क्लास थी सुपर क्लास, उसमें हमको दो देखनी है, एक है आपकी कॉन्ड्रिक्टाइज और एक है आपकी ऑस्टेइchtहाइस। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कॉन्ड्रिक्टाइज, कॉन्ड्रिक्टाइज में कौन सी फिश आती है, उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ आई होप आपने सब्सक्राइब किया, राइट? सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज, कॉन्ड्रिक्टाइज में सबसे पहले आपकी जो फिश याद रख सकते हो आप लोग, दैट इज योर ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है, नाउ क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज, दीज आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ, मरीन है, ओशन पे मिलेंगी आपको। ऐसी कोई शार्क है जो आपको फ्रेश वाटर में मिली है? नेवर। ठीक है, दीज विल ऑलवेज बी फाउंड इन योर ओशन, सी एंड बेस। ठीक है, जहां सॉल्ट वाटर होगा। नेक्स्ट चीज क्या कह रहे हैं, ये आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडी। कभी देखा आपने, जितनी भी आपकी इस टाइप की फिश है, इनकी बॉडी बहुत स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे एरोप्लेन की होती है, सबमरीन की होती है, राइट? वेरी स्ट्रीमलाइन टू द पॉइंट, ताकि जब ये फास्ट स्विम करें, ठीक है, तो कोई ऑब्स्टिकल ना हो। जितनी बॉडी फैली होगी उतना ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन है, एफर्ट कम होगा, मूवमेंट बहुत स्विफ्ट होगी, फास्ट भी होगी। ठीक है, सो बॉडी स्ट्रीमलाइन। थर्ड, स्केलेटन, एंडोस्केलेटन जो है आपका कार्टिलेजिनस है। नाउ व्हेन वी कंपेयर, जब हम ऑस्टेइchtहाइस को देखेंगे, वहां पे जो कार्टिलेज है वो एब्सेंट है, वहां पे जो आपका एंडोस्केलेटन है दैट इज बोनी। ठीक है, बोनी अलग है, कार्टिलेजिनस है। नाउ हमने, जब मैं पिछली बार आपसे जो पिछली क्लास की बात करी थी साइक्लोस्टोमेटा की, तब मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं हमारा ये वाला जो क्लास था, मतलब जब मैं उसकी बात कर रही थी कि उनका भी स्केलेटन जो था वो कार्टिलेज का था, एंड वी वर लाइक कि स्ट्रॉन्ग होती है। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी। अब यहाँ पे इमेजिन करिए शार्क का स्केलेटन कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा, एंड स्टिल इट इज कार्टिलेजिनस। सो ये जो मिथ है कि कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, सॉफ्टनेस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। ठीक है, सो their endoskeleton is cartilaginous. Mouth is located ventrally. हमारी तरह इनका भी माउथ जो है वो कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पे, नीचे की तरफ, जो हमारी तरह है। ठीक है, नोटोकॉर्ड is persistent throughout life. Gill slits are separate and without operculum, gill cover. जो ऑस्टेइchtहाइस है उनका एक और डिफरेंस है, उनमें ऑपर्क्यूलम होता है। जैसे यहाँ पे अगर शार्क देखो या डॉग फिश देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, इनके जो गिल्स होते हैं ना, दे आर ओपन, बट दूसरी क्लास जब हम देखेंगे उनमें एक कवर होता है। यहाँ पे देयर इज नो ऑपर्क्यूलम। ऑपर्क्यूलम क्या होता है आपका? गिल कवर। यहाँ पे गिल्स के ऊपर कोई भी ऐसा पर्दा नहीं है। ठीक है, गिल स्लिट्स ओपन है, यहाँ पे सेपरेट भी हैं, जुड़े हुए नहीं है। इफ यू सी वेरी प्रोमिनेंटली आपको यहाँ पे अलग अलग गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कवर नहीं है, अलग अलग हैं। अगेन, माउथ वेंट्रली लोकेटेड है, नीचे की तरफ लोकेटेड है। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, माइन्यूट प्लेकॉइड, टफ, वेरी टफ स्केल्स। ठीक है, अगेन स्किन होती है, टफ होती है। इफ यू एवर सीन, मूवीज में ही सही, आपने अगर देखा हो शार्क्स जो होती हैं या इवन डॉल्फिन जो होती है, उनकी स्किन बहुत चिकनी टाइप की लगती है। ठीक है, एंड इट इज नॉट वेरी, यू कैन से कि ऐसे देखने में ही लगता है कि काफी रफ एंड टफ स्किन टाइप की होगी। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कुकरी शोज, जो ओशन की आपकी फिश होती है, उनको कट करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ देयर टफ स्किन। ठीक है, Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are predaceous. Teeth जो हैं, ठीक है, इन्हीं प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन है और बैकवर्ड है। बैकवर्ड यानी अगर जो शार्क का अगर देखो, एक तो माउथ नीचे है और पीछे की तरफ को है, ऐसा नहीं कि आगे तरफ निकले हुए हैं, दे आर टुवर्ड्स, टिल्टेड टुवर्ड्स दी बैकवर्ड साइड। ठीक है, अब क्यों बैकवर्ड जब होते हैं ना, तो इनके टीथ को नुकसान पहुंचना बहुत कम हो जाता है। जैसे कि लिखा है प्रेडेशियस है, हमला करते हैं। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ मूवीज, ठीक है, आपको पता होगा कि जो एक स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है विच इज बेस्ड ऑन द शार्क्स, इट इज, उसका नाम ही जॉज है बिकॉज इनके जो जॉज होते हैं दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल. ये अटैक जो करते हैं वो अपने जॉज की हेल्प से ही कर पाएंगे. ऑब्वियसली इनके हाथ पैर तो है नहीं जिससे कर पाए, सो देयर जॉज आर वेरी वेरी टफ. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, यानी कि एयर ब्लैडर नहीं है. अगर एयर ब्लैडर होता तो ये रुक सकते थे एक जगह, जैसे कि आपके नॉर्मल एक्वेरियम में फिश देखी आपने, वो कंटिन्यूसली स्विम करती रहे जरूर नहीं है, वो रुक भी जाती है कभी कभी. यहाँ पे आपकी शार्क जो है वो कभी नहीं रुकेगी, डॉग फिश कभी नहीं रुकेगी. क्यों? बिकॉज उनमें एयर ब्लैडर नहीं है. जैसे ही वो स्विमिंग करना रोक देंगी, छोड़ देंगी, दे विल स्टार्ट सिंकिंग. एयर ब्लैडर एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है ना. हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं? 2, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है आपका, राइट. हम में कितने होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, right? Chalo. Some of them have electric organs like torpedo and some possess poison sting, Trygon. Torpedo, electric organs, मतलब अगर उसको लगे कि आप उस पर अटैक करने आ रहे हैं तो इट कैन एक्चुअली स्टिंग यू, एंड वो जो स्टिंग होता है वो एज गुड एज आपका इलेक्ट्रिक शॉक होगा, ठीक है. किसी किसी में पॉइजन स्टिंग भी है, Trygon, एंड दिस इज एक्चुअली किल्ड पीपल, ठीक है. जो आपकी Trygon होती है, स्टिंगरे वगैरह जो होती है, उसका नाम ही स्टिंगरे है क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी लोगों की डेथ भी हो चुकी है. इट इज सो स्ट्रॉन्ग, दे आर कोल्ड ब्लडेड. अब ये कोल्ड ब्लडेड और आपका वार्म ब्लडेड शुरू हो जाएगा, ठीक है. कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं इनको हम कहते हैं पॉइकिलोथर्मल. क्या कहते हैं? पॉइकिलोथर्मस, पॉइकिलोथर्मल. अगर पॉइकिलोथर्मस के आगे एनिमल्स नहीं लगाना है तो पॉइकिलोथर्मल हो जाएगा. यानी They lack the capacity to regulate their body temperature. जैसा उनके आसपास का environment है ये उसी environment की तरह ढल जाते हैं. ये जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर गर्माहट में बहुत ज़्यादा हैं, हमारी जो बॉडी है उससे स्वेट आने लगेगा, we'll start perspiring, ताकि हीट रिलीज हो और हमको एक कूलिंग इफेक्ट मिले. ये हम में है, हम ये कर सकते हैं, ये होम्योस्टेसिस का पार्ट है. इनमें वो चीज एब्सेंट है. इनका एनवायरनमेंट जैसे होगा वैसे वैसे इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होगा, एंड दिस इज द रीजन ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज से हम लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो चेंज कर पाए. इनको भी उसी में ढलना होगा ना. दीज इफ यू सी दे आर लिविंग इन ओशंस, ठीक है, डीप ओशंस में इनका अगर टेम्परेचर राइज होने लगता है so they are not adapted to that, तो इनको problems होंगी. इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. Sexes are separate. In males, pelvic fins bear claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. कुछ oviparous हैं but जो जनरल हैं, जो ज्यादा हैं, वो है आपके विविपेरस. जो आपका रिप्रोडक्शन है दैट इज ऑब्वियसली सेक्शुअल. क्लास्पर्स हैं पेल्विक फिन के पास मेल में, ठीक है. नाउ एग्जांपल्स, स्कॉलियोडॉन, दिस इज योर स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉ फिश, ये देख रहे हो, सॉ हिंदी में याद है उसको आरी, ठीक है. तो इफ यू सी द माउथ इट इज जस्ट लाइक अ सॉ, आरी की तरह, इसलिए सॉ फिश. Carcharodon, great white shark. Great white shark is actually, sorry, very strong, very harmful, very predacious, ठीक है. And they have a very, you can say, हो सकता है वैसे कुछ ना करे, जैसे अभी आपको यहाँ पे ह्यूमन दिख रहा है आसपास, वो कुछ नहीं करेंगे, बट द मोमेंट दे सी एंड स्मेल ब्लड, जब वो ब्लड देख लेती हैं या सूंघ लेती हैं तब They have to have that. जो भी उनके आसपास जहां से भी ब्लड आ रहा है उनको वो चाहिए. Great white shark and Trygon, stingray. This is your Trygon or your stingray. So these are some examples जो आपकी book में mention है, ठीक है. Chondrichthyes, कार्टिलेजनस स्केलेटन, मरीन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉ है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जॉ है, प्रिडेशियस है, हमारी तरह है, बस कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है. यानी कि एडजस्ट नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर, ठीक है. मेल्स में क्लास्पर्स हैं जो पेल्विक फिन के पास है, विविपेरस है, मोस्ट ऑफ देम आर विविपेरस. किसी के पास इलेक्ट्रिक शॉक की कैपेसिटी है, किसी के पास स्टिंगिंग की कैपेसिटी है, सो बहुत ज्यादा वैरायटी है. प्लेकॉइड स्केल्स है, नॉर्मल नहीं है, प्लेकॉइड स्केल्स है, टीथ जो है वो प्लेकॉइड स्केल्स का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, मॉडिफिकेशन है रादर। अगेन यहाँ पे जो आपको एक चीज और दिखेगी कि हार्ट जो है 2 चेम्बर्स, ऑरिकल एक है, वेंट्रिकल एक है, ठीक है। सो दीज आर सम general you can say points about your class chondrichthyes। also gill slits जो हैं आपके वो without cover हैं और अलग अलग हैं, ठीक है। chondrichthyes easy to remember, Pisces की super class में से एक पहली class है। I hope समझ में आया होगा and कोई issue नहीं होगा। प्लीज लेट अस नो अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर चाहते हो दोबारा या कुछ और चाहते हो कि ये बता दीजिए, ये हेल्प कर दीजिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू डू इट, ठीक है। अब करना क्या है, खोलनी है एनसीईआरटी, फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितने क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व कर लो, खुद ही क्वेश्चन बना लो ना। टीथ किसका मॉडिफिकेशन है, कौन से स्केल्स प्रेजेंट है, ट्राइगॉन क्या करता है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मेल्स में क्लास्पर्स कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें जब खुद से सवाल करने लगोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम करेंगे ऑस्टेइchthyes, तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना है, रीड करते रहिए। जस्ट टेक आउट सम टाइम एंड कीप रीडिंग एनसीईआरटी। बायो के लिए उतना कर लिया, बहुत कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। रीडिंग और स्टडिंग में डिफरेंस है, हाँ, हमेशा। रीड जब आप सिर्फ रीड कर रहे हो, रीड कर रहे हो, स्टडिंग आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो। इसीलिए कहती हूँ कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।